चलिए आप आज हम लोग डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एन एक्सीडेंटल ऑफ बर्थ। ये जितने भी आप सोशल डिफरेंसेस जो देखते हैं, ये पूरी तरह से बर्थ पर, यानी कि किसी भी मनुष्य का जब जन्म होता है किसी बच्चे का, तो उस आधार पर जो है उस बच्चे का जो है सोशल डिफरेंस निकाला जाता है। वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। हम अपने कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। बट ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन आवर बर्थ। लेकिन जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं, उनमें से सभी सोशल डिफरेंसेस बर्थ पर ही आधारित नहीं है, यानी कि जो आपका जीवन है, जो आपका जन्म है, उसी पर आधारित नहीं है। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। इसमें से कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे चॉइस के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, सम पीपल आर एथीइस्ट्स, दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो हैं वो एथीइस्ट होते हैं। एथीइस्ट मतलब नास्तिक, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड्स, जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन, वो एक्चुअली ना ही किसी भगवान में और ना ही किसी धर्म में विश्वास रखते हैं। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिविजन्स। जितने भी सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं वो आगे चल कर के ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिविजन्स में बदल जाए। इन द इंस्टेंसेस अबव, कार्लोस एंड स्मिथ वॉज सिमिलर इन वन वे। ऊपर के जो हम लोगों ने इंस्टेंसेस जो पढ़ा था कार्लोस और स्मिथ के बारे में, इन दोनों ने किस तरीके से टिप्पणी की थी। एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन हु वॉज वाइट। यानी कि अगर देखा जाए तो नॉर्मन, कार्लोस और स्मिथ तीनों जो थे एथलीट्स थे, ठीक है, लेकिन उन दोनों में, यानी कि कार्लोस और स्मिथ और उसके बाद दूसरी तरफ नॉर्मन, इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो नॉर्मन वाइट कम्प्लेक्शन का था जबकि कार्लोस और स्मिथ ब्लैक कम्प्लेक्शन के थे। बट दे वो ऑल्सो ऑल सिमिलर इन अनदर वे, दे वो ऑल एथलीट्स हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि कहीं ना कहीं वो तीनों एक थे, और एक कहाँ पर थे तो उनकी विचारधारा, ठीक है, उन तीनों की विचारधारा एक जैसी थी, क्योंकि उन तीनों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ टिप्पणी की थी, उन्होंने आवाज़ें उठाई थी। वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप। हमारा अपने समाज में कई प्रकार का आइडेंटिटी होता है। जैसे सपोज एक व्यक्ति है, वो एक अच्छा बेटा हो सकता है, ही कुड बी अ नाइस सन, ही कुड बी अ नाइस फादर, ही कुड बी अ नाइस पर्सन, ही कुड बी अ टीचर, ही कुड बी अ जेंटल मैन, ही कुड बी अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक हो सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो समाज में हमारी कई पहचान होती है। एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप, और हो सकता है कि
कोई व्यक्ति एक से अधिक सामाजिक ग्रुप में जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट, वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अलग अलग जगहों पर हमारी जो आइडेंटिटीज है वो भी बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, ठीक है। आइए, सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस तब शुरू हो जाता है व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस, जब कोई सामाजिक विभिन्नता जो है ओवरलैप कर जाता है दूसरे डिफरेंसेस के साथ। इन द US, बिकॉज द ब्लैक्स टेंड टू बी द पुअर, होमलेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। US में, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता था कि जितने भी ब्लैक्स थे, जितने भी काले लोग थे, उनको गरीब समझा जाता था, होमलेस बेघर समझा जाता था एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनका शोषण भी किया जाता था। इन आवर कंट्री दलित्स टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस। जबकि हमारे देश भारत में दलित को गरीब समझा जाता है, पुअर समझा जाता है और बेघर समझा जाता है। दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। वे अक्सर डिस्क्रिमिनेशन की भावना और इनजस्टिस यानी कि असमानता, अन्याय उन्हें झेलना पड़ता है। द ग्रुप दैट शेयर्स अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इश्यू आर लाइकली टू बी इन डिफरेंट इश्यूज। वह ग्रुप जो किसी एक इश्यू में कॉमन इंटरेस्ट यानी कि मतलब उसमें साथ देता है लोगों का, तो हो सकता है कि किसी दूसरे इश्यू में उस ग्रुप का जो इंटरेस्ट हो वो बिल्कुल अलग हो, यह भी हो सकता है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशन्स। सोशल डिफरेंसेस जैसे ही ओवरलैप होता है तो उससे क्या हो जाता है, सोशल डिविजन और टेंशन का माहौल शुरू हो जाता है। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर टू एकोमोडेट। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसे हम क्रॉस कटिंग के नाम से जानते हैं, तो ये क्रॉस कटिंग ऐसे सोशल डिफरेंसेस हैं जिसके द्वारा हम एकोमोडेट कर सकते हैं आसानी से इन डिफरेंसेस को। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। सोशल डिविजन्स के पॉलिटिक्स, एट फर्स्ट साइट इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिविजन्स इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। सबसे पहली बार तो यह प्रतीत हुआ कि अगर पॉलिटिक्स में सोशल डिविजन को मिक्स कर दिया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक और एक्सप्लोसिव साबित हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज कैन मेक सोशल डिविजन्स इंटू पॉलिटिकल डिविजन्स एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई सोशल डिविजन तैयार किया जा सकता है और उस सोशल डिविजन्स को पॉलिटिकल डिविजन्स में बदला जा सकता है एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। और इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट की भावना उत्पन्न होने लगती है, वायलेंस, हिंसात्मक रवैया लोग अपनाने लगते हैं और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री, और यहाँ तक कि किसी भी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होना, ठीक है। दिस हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज, और ऐसा कई देशों में हो चुका है।
चलिए आज के लिए ना ही रहने दिया जाए, फिर हम इसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।